हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो गाइस फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब या लाजमी करो और साथ में बेल आइकन भी दबाओ। तो गाइस आप लोग थंबनेल देख के पहचान गए होंगे कि आज हम लोग किस मॉड के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे GTA 5 के अंदर माइकल फ्रैंकलिन और ट्रेवर के टोपी मोड के बारे में। तो गाइस बेसिकली ये जो मॉडल्स है टोपी के, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाए, मेरे ही मॉडल्स हैं, इसलिए आप लोग फ्री होकर यूज कर सकते हो। और मैं आज इसको इस वीडियो में फ्री दे रहा हूँ आपको। गूगल ड्राइव में मैं लिंक दूंगा, अपलोड कर दिया है मैंने यहाँ। बाकी आप लोग थंबनेल में देख सकते हो यहाँ पर कि किस टाइप का ये मोड दिखेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट के अंदर। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का मोड दिखेगा, तीनों कैरेक्टर की टोपी का मोड होगा, फ्रैंकलिन का, माइकल का और ट्रेवर का। आज हम इन तीनों की टोपी को इंस्टॉल करने वाले हैं। रमजान का महीना था तो मैंने सोचा यार मॉडल बनाना चाहिए, काफी खूबसूरत लग रहा है ये तीनों कैरेक्टर के ऊपर। तो गाइस यहाँ पर अभी आप लोगों ने क्या करना है, इस मोड को अपनी गेम के अंदर इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसको ऐसे डाउनलोड कर लेना होगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है, बस जाना है आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में लिंक देखनी है। बट अभी वीडियो छोड़ के मत जाना, अभी आप लोग वीडियो पूरी देखो फिर डिस्क्रिप्शन की तरफ जाना। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड का बटन होगा, आप लोगों ने इस पर क्लिक करके यहाँ से आप लोगों को मोड को डाउनलोड कर लेना होगा। यहाँ से लिंक ओपन हो जाएगी और आप लोगों ने यहाँ पर उसको जो है डाउनलोड करके सेव कर लेना है। बट मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पर कैंसिल करूंगा। और यहाँ पर आप लोग जैसे ही डाउनलोड कर लोगे तो आपको एक मिलेगा टोपी मोड .rar, आपको एक रार फाइल मिलेगी टोपी मोड की। आप लोगों ने क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट टू टोपी मोड कर लेना है, इससे एक सेपरेट फोल्डर बन जाएगा आपके टोपी मोड का। आप लोगों ने इस फोल्डर को एक साइड पर रख लेना है, हमारा एक्सट्रैक्ट टू का फोल्डर है जिसे हमने अभी एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ से। इसके अंदर आपको तीन फोल्डर रखेंगे, इनका मैं आपको बताता हूँ आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने क्या करना है, ओपन आईवी को ओपन कर लेना है, ये ओपन आईवी। अगर आपको नहीं पता है किस टाइम इंस्टॉल होता है तो आपको वीडियो आई बटन में मिल जाएगी, वो आप लोग देख लेना। उसके अंदर मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड बताए हैं ओपन आईवी के। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे आप लोग इंस्टॉल करोगे आप लोगों ने GTA 5 पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हमारा ओपन आईवी स्टार्टिंग हो रहा है एज अ GTA 5। तो आप लोग जाके वीडियो को लाइक कर दो जब तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर हमारा ओपन आईवी स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। और मुझे कमेंट करके यार जरूर बताना कि आपको ये टोपी का मॉडल कैसा लगा, कमेंट यार लाजमी बताना मुझे। यहाँ पर हमारा ओपन आईवी ऑन हो चुके हैं। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक कोने में बटन दिखेगा एडिट मोड का, आप लोगों ने एडिट मोड पे कर देना है और यहाँ से कर देना है यस। एडिट मोड पे करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है यहाँ पर X64 वाले सेक्शन में, जहाँ ये सारी X64 की आपको फाइलें दिखेंगी यहाँ पर इतनी सारी। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर X64 की X64.rpf की फाइल होगी, आप लोगों ने क्या करना है X64v.rpf में चले आना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, मॉडल्स फोल्डर में चले आने में, या मैग्नीफायर ओपन कर देता हूँ ताकि आपको सब कुछ सही सही दिखे। यहाँ पर हमारा ऑन हो चुका है। आप लोगों ने क्या करना है, X64v के अंदर जाना है। वी में जाने के बाद आप लोगों ने मॉडल्स फोल्डर में चले आना है, मॉडल्स का फोल्डर होगा इसमें जाना है। CD इमेजेस का फोल्डर होगा, इसके अंदर चले आना है। नीचे नीचे आना है, आपको बहुत सारी फाइल दिखेंगे, आपको उसके अंदर एक फाइल दिखेगी स्ट्रीम पैड प्लेयर्स, ये वाली फाइल होगी स्ट्रीम पैड डैश प्लेयर .rpf। आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर चले आना है। इसके अंदर आप लोगों ने जाना है तो इसके अंदर आपको सेम वही फोल्डर दिखेंगे Player 1, 2 और 0, यही वाले फोल्डर है, यहीं पर ही आप लोगों ने रुक जाना है। यहाँ मैं मैग्नीफायर को कट कर देता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, इसको एक साइड पर लगा देना है ओपन आईवी को, दूसरी साइड पर जो है आप लोगों ने अपने टोपी मोड का फोल्डर ओपन कर लेना है और उसको भी एक साइड पर लगा देना है। टोपी मोड के फोल्डर में जाने के बाद आप लोगों ने इस फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको जो तीन फोल्डर दिखेंगे इनका मैं आपको बता देता हूँ। Player 1 के अंदर फ्रैंकलिन का है, Player 2 में ट्रेवर का है, Player 0 के अंदर माइकल का है। तो हमें बारी बारी इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपन आईवी के अंदर Player 1 वाले फोल्डर में जाएंगे, Player 1 में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी सेम Player 1 में वाले फोल्डर में ही हम लोग जाएंगे। तो मैं Player 1 के फोल्डर में चले आता हूँ, यहाँ आप लोग आ गए। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो टोपी का मॉड है ये आपका Hair 1 को रिप्लेस करेगा, मतलब ये जो आपके ये वाले बाल हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये वाले बाल हैं आपके टोपी के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग और कोई हेयर रिप्लेस करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से नंबर चेंज कर सकते हो, 1 की जगह यहाँ पर आप लोग 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। बट मैं ऐसे नॉर्मली रिप्लेस करूंगा तो मैं डायरेक्ट 1 से ही करूंगा। तो अभी Player 1 दोनों जगह हमने फोल्डर खोला है तो मैं यहाँ दोनों फाइलों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से जो है ड्रैगन ड्रॉप कर दूंगा। इधर आप लोग देख सकते हो मैंने ड्रैगन ड्रॉप कर दिया, हमारा जो Hair 1 है वो टोपी के साथ रिप्लेस हो चुका है। यहाँ पर टेक्सचर जो है गेम में खुद ही सेट हो जाएंगे, उसकी आप लोग फिक्र मत करना, यहाँ से आप लोग इग्नोर मारो बस। यहाँ पर ये एक्सेसरीज का टेक्सचर आ रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। बाकी यहाँ पर टोपी का टेक्सचर आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर लगा के भी आपको दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो टोपी का टेक्सचर लग गया है यहाँ पर।
अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर भी बैक कर देना है और यहाँ पर भी बैक कर देना है। अपना हमारा नेक्स्ट फोल्डर कौन सा है, प्लेयर टू ट्रेवर के लिए, तो प्लेयर टू के फोल्डर में चले आना है और यहाँ पर भी प्लेयर टू में चले आना है आप लोगों ने, प्लेयर टू के फोल्डर में चले आना है आप लोगों ने यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आप लोग आ चुके हैं, यहाँ पर भी सेम आपका हेयर वन रिप्लेस हो जाएगा ट्रेवर की टोपी के साथ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हेयर वन जो है, यहाँ पर हेयर वन तो यहाँ पर टोपी का कुछ भी नहीं है, तो आप लोग उसको रिप्लेस कर लो इजीली क्योंकि इसके अंदर कोई हेयर नहीं है। तो यहाँ पर दोनों फाइल्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है ओपन आईवी के अंदर, तो ये आपका टोपी के साथ रिप्लेस हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हो टोपी आ चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, फिर से बैक करना है और यहाँ पर भी कर देना है बैक, और यहाँ पर आप लोगों ने चले जाना है प्लेयर जीरो के अंदर जो कि हमारा माइकल का, तो प्लेयर जीरो में जाना है आप लोगों ने और यहाँ पर भी प्लेयर जीरो में चले जाना है। आप लोग देख सकते हो प्लेयर जीरो में मैं आ चुका हूँ, उसके अंदर भी आपको दो फाइल दिखेंगी, एक इसका मॉडल है और दूसरा इसका वाईटीडी फाइल है, टेक्सचर फाइल। आप लोगों ने क्या करना है, दोनों को सिंपल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ये माइकल का हेयर नंबर वन को रिप्लेस कर देगा और टोपी को ऐड कर देगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हेयर का टेक्सचर हटा दो, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टोपी आ रही है यहाँ पर हमारी। तो गाइस हमें जो इंस्टॉलेशन थी कंप्लीट हो चुकी है, अभी हम लोग चलते हैं अपने गेम प्ले की तरफ और मैं आपको टोपी का गेम प्ले शो करता हूँ, टोपी दिखाता हूँ गेम प्ले के अंदर। चलते हैं अभी हम लोग अपने गेम प्ले की तरफ। ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग अपने गेम प्ले की तरफ आ चुके हैं। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी मेन्यू की हेल्प से ट्रेवर के बाल चेंज करने। यहाँ पर मैं प्लेयर ऑप्शन में आता हूँ और वार्डरोब में आके मैं इसके हेयर चेंज करता हूँ। यहाँ पर ये पीछे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हेयर वन पे हमने रिप्लेस की थी, तो हमारी हेयर वन पे टोपी आ चुकी है ट्रेवर की। फुल हमारा ट्रेवर जो है रोजेदार लग रहा है, फुल इस्लामी भाई हमारा, आप लोग देख पा रहे होगे ट्रेवर को। इसके अलावा मैं आपको माइकल की भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर मॉडल अप्लाई करके यहाँ से मैं माइकल का मॉडल ऐसा स्पॉन कर लेता हूँ यहाँ पर, और फ्रैंकलिन का भी, ये हमारा फ्रैंकलिन का मॉडल आ गया और ये हमारा माइकल का मॉडल आ गया। इसके ऊपर अभी हम लोग स्वैप कर लेते हैं और यहाँ हम लोग माइकल पे आ चुके हैं। अभी मैं आपको माइकल का चेंज करके दिखाता हूँ, माइकल के कैरेक्टर के ऊपर। मैंने कैरेक्टर स्विच इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था उसके अंदर, इसे मैंने डायरेक्ट स्पॉन कर लिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो माइकल की टोपी भी बिल्कुल आ चुकी है और ये आपके पॉज मेन्यू के अंदर भी शो होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल आपके बालों के रिप्लेस हुई है, यहाँ पर भी आपकी दिख रही है टोपी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा मैं अभी फ्रैंकलिन के ऊपर स्वैप करता हूँ, यहाँ पर ऐसा फ्रैंकलिन हो जाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं फ्रैंकलिन के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं अभी फ्रैंकलिन के ऊपर टोपी वो करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हेयर वन की जगह टोपी आ रही जहाँ हमने रिप्लेस की थी। तो उसके अलावा यह ट्रेवर फ्रैंकलिन अगर आपको पीछे से गंजा लगे तो आप लोगों ने क्या करना, उसके हेड के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर हेड के जो है टेक्सचर चेंज कर लेना है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं मेन्यू से आपको करके दिखा देता हूँ दोबारा। यहाँ पर हमने टोपी चेंज करी इस तरीके से और अभी हेड के जो है टेक्सचर चेंज करके कुछ स्टेप लगा देने, तो आप लोग देख सकते हो फ्रैंकलिन के पीछे पीछे हल्के हल्के बाल आ गए, जिससे ये बुरा नहीं लगता। आप लोग देख पा रहे होगे, बाकी आप देख सकते हो हमारे तीनों इस्लामी भाई आ गए यहाँ पर। मोबाइल निकालो आप लोग, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक मिनट मोबाइल निकालो, यहाँ पर तीनों इस्लामी भाई पर सेल्फी लो यहाँ पर कुछ इस तरीके से। आप लोग देख सकते हो तीनों हमारे टोपी पहने हुए माशाल्लाह से रमज़ान के लग रहे हैं बिल्कुल। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करो या सब्सक्राइब लाजमी करो, सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसे सब्सक्राइब या लाजमी करो। हमें 1K क्रॉस करना है तो सब्सक्राइब या लाजमी करो और साथ में बेल आइकन दबाओ ताकि आप लोग मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।